आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। नमस्कार मित्रों, यू आर वाचिंग शार्प मीडिया और हम यहां पे कुशीनगर के पथिक निवास के बगल में बैठे हुए हैं, जहां पे आने वाले दो दिनों के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की हिंदू वाहिनी की बैठक होने वाली है। कल से यहां पे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, इसमें तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता सभी उपस्थित रहेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे हिंदू वाहिनी के कुशीनगर के जिला संयोजक चंद्र प्रकाश यादव चमन जी हैं, साथ में हैं अजय गोविंद राव शिशु जी, मुन्ना जी हैं और अमरचंद हिंदुस्तानी। और आइए हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम की क्या स्थिति है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं। हिंदू वाहिनी उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता बैठक में 90 इकाई के पदाधिकारी, हर जनपद के प्रभारी संयोजक और अध्यक्ष इस कार्यकर्ता बैठक में आ रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी की बैठक है। प्रदेश प्रभारी जी हमारे जो हिंदू वाहिनी के हैं, डुमरियागंज के विधायक हैं, वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, प्लस पूरी कार्यकारिणी इस बैठक में उपस्थित रहेगी। अब हिंदू वाहिनी कुशीनगर में पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दो दिवसीय कार्यक्रम है, तो रात्रि विश्राम, सबके भोजन की व्यवस्था, सबके उचित रहने की व्यवस्था के साथ साथ दो दिवसीय कार्यकर्ताओं के लिए हिंदू वाहिनी का मंथन चलना है, जिससे हिंदू वाहिनी की जो हमेशा की व्यवस्था रही है। क्या ये बैठक संगठनात्मक मंथन होगा या फिर राजनीतिक मंथन? संगठनात्मक मंथन होगा। हिंदू वाहिनी हिंदू मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ही कार्य करती है, तो जो हमारे व्यवस्थाएं हैं, हमारे मठ मंदिर कैसे सुरक्षित हैं रहें, इसके लिए ये सब योजना और रचना चलेगी। जैसा कि हमारे साथ अजय गोविंद राव शिशु जी हैं, हिंदू वाहिनी के एक प्रख्यात कार्यकर्ता, किस प्रकार की बैठक है शिशु जी और क्या मकसद है इस बैठक का? और कुशीनगर में चूंकि एक लंबे अरसे बाद हिंदू वाहिनी फिर से पुनः सक्रिय दिख रही है, पूरे फॉर्म में दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस बैठक से क्या उद्देश्य हैं इस बैठक के? हिंदू वाहिनी प्रदेश कार्यकर्ता बैठक कुशीनगर में यह पहली बार हो रही है और पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होंगे। बैठक का उद्देश्य यह है कि जो संगठन का जो मूल उद्देश्य है हिंदुत्व और विकास जी, इसको लेकर संगठन के कार्यकर्ता आगे बढ़ें, आने वाले समय में समाज संगठन सबकी सुरक्षा और रक्षा करें, सभी संगठन संगठित रहे और देश हित में, हिंदू हित में जो भी निर्णय हो सके उसे लेकर आगे बढ़ने का कार्य कर सके। आदरणीय शिशु जी, क्या आपको लगता है ऐसा कि आज जहां पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी आसीन हैं, तो क्या लगता है कि हिंदू वाहिनी अपने जिस उद्देश्य से लेकर इस राष्ट्र में आई थी हिंदू जागृति के नाम पे, तो क्या उस मकसद में हिंदू वाहिनी वाकई में सफल है, आपको क्या लगता है? जिस उद्देश्य से हिंदू वाहिनी का गठन हुआ था उस उद्देश्य की पूर्ति मुख्यमंत्री बनते ही और प्रधानमंत्री बनते ही पूर्ण होना प्रारंभ हो गया, कार्य होना प्रारंभ हो गया। जो उद्देश्य थोड़ा बहुत बाकी होगा आने वाले समय में वह भी पूर्ण होगा, जैसे कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, मथुरा में दीपोत्सव का कार्यक्रम और होली का कार्यक्रम, या अनेक पर्वों पे एक ऐतिहासिक जो पर्व है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसे और ऐतिहासिक बना के हिंदुत्व को दिखाने का कार्य और संस्कृति को बचाने का कार्य पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है और उनके द्वारा किए गए प्रदेश में सारे कार्यों को जन 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 तक लेकर जाने का कार्य हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह मुन्ना जी, आइए हम जानते हैं उनकी कुछ राय। देखिए, हिंदू वाहिनी इसीलिए संघर्ष करती थी कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज आएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में राम राज है और विपक्ष के लोग पागल हो गए हैं। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हत्याएं, छोटी छोटी हत्याएं जो हो रही हैं वो विपक्ष का ही देन है। विपक्ष सरकार को बदनाम कराने के लिए ये खड़ंज रच रही है। जो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर बिंदु पे तैयार है।
और हिंदू आवाहिनी एक गैर राजनीतिक संगठन है। हमारे मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज हैं। जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग पहले कार्य करते थे, आज भी हम लोग उसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। और हिंदू आवाहिनी तब तक काम करेगी जब तक भारत को विश्व गुरु नहीं बना लेगी। एक वक्त था कि भारत की राजनीति में एक योगी का मुख्यमंत्री बनना बहुत ही मुश्किल, एक अजीबोगरीब चीज़ है, लेकिन ये भारत की लोकतंत्र की एक गरिमा है कि आज एक योगी भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सके हैं। क्या लगता है कि क्या आज योगी आदित्यनाथ एक प्रशासक के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार का विकास कर पाएंगे उत्तर प्रदेश का, या फिर कर पा रहे हैं, कितने सफल हैं आज योगी जी? इसमें कहने की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है वो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की देन है। इसलिए कि पूज्य महाराज जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और पूज्य महाराज जी खूब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को विकास में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में आप देख रहे होंगे अच्छी रोड, यहाँ पे हमारे अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छे डॉक्टर सब लोग मौजूद हो रहे हैं, ये पूज्य महाराज जी की ही देन है।